संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने मंच पर जाकर एक ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इजराइल हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र और उसकी अलग अलग संस्थाओं पर भेदभाव का आरोप लगाता आया है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ जिसने दिखा दिया कि इजराइल कितना गुस्से में है। दरअसल इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दिन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर सालाना प्रकाशित होने वाली ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट को ही फाड़ दिया। ये काम इजरायली राजदूत ने भरे मंच पर दुनिया के सामने किया और वो भी बिना किसी पछतावे के। एर्दन ने मानवाधिकारों पर छपी इस रिपोर्ट को फाड़ते हुए कहा कि इसकी सही जगह कूड़ेदान है और इसका कोई उपयोग नहीं है। Its only place is in the dustbin of anti-Semitism, and that is exactly how we shall treat it. गिलाद एर्दन ने संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि ये इसराइल के खिलाफ है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स काउंसिल पर भी जमकर निशाना साधा। एर्दन ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही ह्यूमन राइट्स काउंसिल 95 बार इसराइल की आलोचना कर चुका है। एर्दन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने आज पूरी दुनिया को निराश किया है। इजरायली राजदूत ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये उन लोगों की आवाज नहीं सुनता जो हर पल मानवाधिकारों का हनन सहते हैं। असल में जो पीड़ित हैं उनकी आवाज ह्यूमन राइट्स काउंसिल के कानों तक पहुंचती ही नहीं है। गिलाद एर्दन ने कहा कि ये सब करके इजरायल और उसकी स्वतंत्रता को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इजरायली मीडिया की तरफ से यहां तक दावा किया गया है कि सिर्फ 2020 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा इजरायल के खिलाफ 17 बार प्रस्ताव लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले ही यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल ने इजरायल और फिलिस्तीन संघर्ष पर एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी सदस्य देशों के सामने एक सालाना रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में गाजा पर इजरायली कार्रवाई को लेकर जांच समिति के नतीजे शामिल थे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इजरायली कार्रवाई से 67 बच्चों, 40 महिलाओं और 16 बुजुर्गों सहित 260 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में इजरायल की जमकर आलोचना की गई थी, जबकि इजरायल इस हिंसा के लिए आतंकवादी संगठन हमास को जिम्मेदार मानता है। B News app available on Google Play and App Store. Download it now.